डिपेंड करेगा इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है कि दोनों कंटेनर कैसे हैं। दोनों कंटेनर अगर आइडेंटिकल नहीं है तो यहां पे वॉल्यूम ए वन इंटू एच, यहां पे वॉल्यूम ए टू इंटू एच। इसका मतलब है कि जब लिक्विड का फ्लो रुकेगा, जब लिक्विड का फ्लो रुकेगा तो हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे 100% कि दोनों कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, सेम है। लेकिन अगर दोनों कंटेनर मेरे आइडेंटिकल हो जाएं तो क्या होगा, तब तो हम बोलेंगे दोनों में लिक्विड का वॉल्यूम क्या है, सेम हो गया। तो फाइनली जब लिक्विड का फ्लो रुकेगा तो दोनों कंटेनर में हो सकता है लिक्विड का वॉल्यूम सेम हो, या फिर दोनों कंटेनर में लिक्विड का वॉल्यूम वहां पे क्या हो, डिफरेंट हो। क्लियर क्लियर हो यहां पे? सेम चीज यहां पे, यहां पे जब दोनों बॉडी के बीच में चार्ज फ्लो करेगा तो हो सकता है अगर दोनों का रेडियस क्या है, अलग अलग है। मान लो दोनों का रेडियस वहां पे क्या है, अलग अलग है। तो फाइनली जब चार्ज का फ्लो रुकेगा तो इस पे चार्ज आ जाएगा Q1, इस पे चार्ज आ जाएगा Q2। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि अगर मान लो दोनों का रेडियस सेम हो, इसका भी R, इसका भी R, तो फिर ये प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दोनों पे चार्ज इक्वल चला जाएगा। तो इस पे आ जाएगा Q बाय टू, इस पे आ जाएगा Q बाय टू। तो अभी हमने पोटेंशियल के बारे में तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जब आगे जाओगे कूलम्स लॉ में, तो कूलम्स लॉ में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वहां बोलता है कि स्फेरिकल बॉल है, इस पे चार्ज है क्यू। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने दूसरी बॉल से टच किया। जैसे मान लो बॉल ए थी, बॉल ए को हम कांटेक्ट में लेके आ गए बी के, दोनों बॉल कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं। तो जैसे ही हमने दोनों को टच किया, दोनों को दूर किया, तो अब इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बाय टू। इस पे भी चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू बाय टू। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे जब कूलम्स लॉ में कुछ क्वेश्चन हम इनिशियली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? तो अगर दोनों कंडक्टर कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, तो फाइनली जब चार्ज का फ्लो रुकेगा तो दोनों पे चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि चार्ज सेम होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उनके साइज पर भी डिपेंड करता है, तो वो आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि चार्ज का जो फ्लो होता है वो होता है सिमिलर टू लिक्विड। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब भी हम चार्ज देंगे किसी कंडक्टर को तो चार्ज हमेशा जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे। क्लियर क्लियर ना? जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे, वो कभी भी कंडक्टर के अंदर नहीं जाता है। जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को अगर मैंने कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज पूरा कहाँ गया, सरफेस के अंदर गए, सरफेस पे गया, सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं जाएगा। और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर को जब भी चार्ज देंगे चार्ज कहां जाएगा, सरफेस पे। और इस रिजल्ट को आगे जब हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पे हम प्रूव भी करते हैं कि क्यों चार्ज सरफेस पे जाता है, अंदर क्यों नहीं गया। तो अभी हमें केवल इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना कि जब भी चार्ज जाएगा कंडक्टर के सरफेस पे। अच्छा, कंडक्टर के सरफेस पे अब चार्ज जाएगा तो कोई जरूरी नहीं कि कंडक्टर का शेप रेगुलर हो, हो सकता है कंडक्टर का शेप तो वहां पे इररेगुलर हो इस तरह से। तो इस केस में जब हम कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो प्रॉपर्टी क्या है, वहां पे आगे एक टर्म पढ़ोगे चार्ज डेंसिटी सिग्मा। सिग्मा को हम बोलते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया, या फिर इसको हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी भी। सरफेस डेंसिटी किसकी, चार्ज की, तो इसको हम लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई कंटेनर है या कंडक्टर है जिसका शेप इररेगुलर है तो इसको जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज की जो डेंसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, मान लो ये कर्व है, कर्व के अगर यहां पे मुझे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो यहां पे हम एक स्मॉल एलिमेंट लेते थे। इस स्मॉल एलिमेंट को हम किसी सर्कल का पार्ट मानते थे, जो सर्कल यहां पे फिट बैठ गया वही उस पॉइंट का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अगर मुझे यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लो,
ये स्मॉल एलिमेंट अगेन क्या है, किसी सर्कल का पार्ट है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दो रेडियस ऑफ कर्वेचर थे, यहाँ पे R1 था, यहाँ पे R2 था। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे R सबसे कम है, R कम है तो सिग्मा क्या होगा, ज़्यादा। तो यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ पे जाओगे तो चार्ज ऐसा थोड़ा दूर दूर रहेगा, लेकिन जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम बनेगा सिग्मा वहाँ पे बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लेकिन स्फेरिकल होगा तब तो हर केस हर जगह रेडियस क्या रहता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हर जगह सेम रहता है, इसलिए चार्ज क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब यही एक रीज़न है जिसको हम यूज़ करते हैं, और हम लोग क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो ग्राउंड है और ये क्लाउड्स हैं, तो कई बार देखा होगा रेनी सीजन में हम बोलते हैं कि लाइटनिंग हो रही है, बिजली गिर रही है। तो बिजली गिरने का मतलब क्या है, क्लाउड्स में चार्ज है, मान लो चार्ज पॉजिटिव है, तो जो भी क्लाउड्स है क्लाउड्स में बहुत ज़्यादा चार्ज हो गया है, और ये जो चार्ज होता है वो अब अर्थ की ओर क्या करता है, फ्लो करता है। मान लो क्यू चार्ज है, तो लाइटनिंग कब होती है, लाइटनिंग होती है जब क्लाउड्स के चार्ज अर्थ की ओर क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही चार्ज फ्लो करता है तो चार्ज के कारण वहां पे क्या सेटअप हो जाता है, करंट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब भी बिजली गिर रही हो या लाइटनिंग हो रही हो तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारी बॉडी पे चार्ज आएगा, फिर बॉडी से किस में जाएगा, अर्थ में जाएगा, और यहाँ पे चार्ज का फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे लार्ज अमाउंट का करंट जनरेट होता है, और करंट जितना ज़्यादा डेवलप होता है उसके कारण वहाँ पे हीट भी डेवलप होती है, और उसी हीट के कारण देखा होगा हमारी बॉडी पूरी क्या होती है, जल जाती है। तो इसलिए कभी कई बार ऐसा बोला जाता है कि अगर हम कार में बैठे हुए हैं, जैसे मान लो ये कार है, तो कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर मान लो हम कार के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे ये सीट है, ये हैंडल है, यहाँ पे कोई पर्सन है और ये पर्सन कार में बैठा है, तो ऐसा बोला जाता है कि अगर बिजली गिर रही है और अगर हम कार के अंदर बैठे हैं तो समझदारी क्या है कि हमें कार से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही चार्ज गिरेगा तो चार्ज कार के अंदर नहीं आएगा, वो चार्ज कहाँ चला जाएगा, वो चार्ज केवल चला जाएगा कार के सरफेस पे। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको आगे हम यूज करेंगे, जब भी हम कंडक्टर को चार्ज देंगे चार्ज हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे जाएगा। क्लियर? अब यहां पे मैं एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं, लास्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करने में भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट हम लोग डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में होता क्या है बेसिकली, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, चार्ज गया सरफेस पे, तो हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास हम क्या कर रहे हैं, एक न्यूट्रल कंडक्टर को लेके आ रहे हैं। तो ये एक कंडक्टर है लेकिन ये कंडक्टर न्यूट्रल है। अब देखो होता क्या है, अगर हम किसी मेटेलिक प्लेट के पास न्यूट्रल कंडक्टर को लेके आ रहे हैं, ये जो बॉडी है न्यूट्रल है लेकिन कंडक्टर है, कंडक्टर है इसका मतलब है कि यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अवेलेबल है। अब हमने क्या पढ़ा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और हमें मालूम है कि जैसे मान लो एक एटम है, इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो क्या होगा, अगर किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो तो प्रोटॉन से बैलेंस हो जाएंगे, एक प्रोटॉन जो रहेगा वो एक्सेस में आ जाएगा, तो यहां पे हम बोलते हैं कि एक प्रोटॉन के बराबर का पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो ऐसा बोलते नहीं बोलते, तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आने की कोशिश करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन जगह छोड़ के यहां पहुंचेंगे
उतना ही अमाउंट का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाने की कोशिश करता है। तब होता क्या है, जब हम चार्ज बॉडी के पास न्यूट्रल बॉडी को लेके आते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए उसके कारण उतना ही अमाउंट का यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डेवलप हो गया। लेकिन अगर इस बॉडी की बात करें तो इस बॉडी पे नेट चार्ज अभी क्या है, जीरो है। ध्यान रखना, कंडक्शन की भी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की। कंडक्शन वर्ड हम कब यूज करते थे, कंडक्शन वर्ड यूज करते थे जब दो बॉडीज क्या होती थी, कॉन्टेक्ट में आती थी। तो वहां पर जब दो बॉडीज कॉन्टेक्ट में आती तो चार्ज फ्लो करता है, यहां पर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा है। केवल क्या हुआ है, जब इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के पास हम न्यूट्रल को लेके आए हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन ने केवल क्या कर लिया, अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। मान लो अगर यहां पे चार्ज प्लेट नेगेटिव होती तो क्या होता, अब बताओ ये अगर नेगेटिव होगा तो होगा क्या उस केस में, नेगेटिव के सामने अगर हम न्यूट्रल को लेके आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रॉन को दूर भेजने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं तो यहां पे चार्ज नेगेटिव एक्यूमुलेट हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी उसके कारण यहां पे इतना ही अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यही तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को हम लोग क्या डिफाइन कर रहे हैं कि जब भी किसी चार्ज बॉडी के पास हम न्यूट्रल बॉडी को